बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, वीकेबी माय डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। आज के माय डॉक्टर के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे, एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसी समस्या पे जो आमतौर पर आज के सिनेरियो में तो काफ़ी कॉमन है लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इसे कई नामों से भी पुकारा जाता है लेकिन इन मेडिकल टर्म्स इट इज़ कॉल्ड OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि कई बार जो आज की जनरेशन है ये अपने आप में फील तो करती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये OCD का प्रॉब्लम है। पेरेंट्स भी कई बार घबरा जाते हैं कि बच्चों में अचानक से उनका बिहेवियरल चेंज दिखता है या फिर उनकी एक्टिविटीज़ में चेंज दिखता है लेकिन एग्जैक्टली उन्हें OCD है या नहीं ये कैसे पहचाना जाए, OCD होती क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार है और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, क्या ये क्योरेबल है, ऐसे कई आपके पास सवाल होंगे दिमाग में। इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं नागपुर से साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सुरभि मित्रा। डॉक्टर सुरभि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर सुरभि। OCD एक बहुत ही आजकल सुनाई देने वाली समस्या, बट ये OCD होती क्या है? तो OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेशन क्या होता है और कंपल्शन क्या होता है? तो एक ऑब्सेशन एक रिपीटेटिवली आने वाला थॉट दिमाग में, थॉट हो सकती है, आइडिया हो सकता है, एक इम्पल्स हो सकता है और वो कंट्रोल में नहीं रहता है पेशेंट के, तो बार बार कॉन्स्टेंटली वो थॉट्स आते रहते हैं एंड उसके वजह से उसको कहते हैं ऑब्सेशन। अब कंपल्शन क्या होता है? अब उसी थॉट प्रोसेस को रोकने के लिए उसके ऊपर किए जाने वाली एक्शन, तो वो एक्शन क्यों की जाती है? ताकि वो जो बार बार आने वाले ऑब्सेशंस है उसका डिस्ट्रेस वो रोक सके, क्योंकि इट इज वेरी डिस्ट्रेसिंग, वो बार बार इनको इतनी परेशानी होती है कि दिन रात वही वही थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एक कंपल्सिव एक्शन की जाती है तो उसे कंपल्शन कहते हैं। अब ये कैसा है कि कुछ लोगों को प्योरली सिर्फ ऑब्सेसिव डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें से उन्हें बार बार थॉट्स आते हैं लेकिन वो कंपल्सिव एक्शंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है क्योंकि अगर कंपल्सिव एक्शन उसको रोकने के लिए नहीं हो रही है तो ऑब्सेशंस बढ़ते जाएंगे। और कुछ लोगों को प्योरली कंपल्सिव भी हो सकता है, बट जनरली इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय दिस थॉट और दिस आइडिया और दिस इम्पल्स जो रिपीटेटिवली बट आता है लेकिन अनवांटेड होता है। ये OCD आज की जनरेशन में काफ़ी सुनाई दे रही है एंड कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस लेवल है ये बहुत बढ़ गया है, तो व्हाट यू थिंक कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या फिर ये स्ट्रेस की वजह से, व्हाट इज़ द रूट कॉज? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो नहीं बोलूंगी मैं उसे, बट डेफिनेटली हम ऐसे कहते हैं कि एक स्ट्रेसर होता है जो उसका ट्रिगर होता है, तो जब वो स्ट्रेसर आता है किसी के जिंदगी में वहां से वो एकदम से वो सारे सिम्टम्स ट्रिगर होने लगते हैं और फिर वो पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है, मतलब वो अपने वो सारे एक्शंस वगैरह करने लगता है जिससे लोगों को भी डिस्ट्रेस होता है क्योंकि उन्हें वो समझ में आने लग जाता है। तो अब आपने दूसरा क्या पूछा मुझे उसके बाद? कि क्या ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है? हाँ, जैसे स्ट्रेसर हाँ, तो वो ट्रिगर रहता है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल एक छोटी बच्ची है 15-16 साल की, अगर उसका ब्रेन देयर आर चांसेस कि उसमें एक प्रीडोमिनेंट एक वो है कि उसको हो सकता है आगे चल के OCD, जैसे कि उसके जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसके फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है किसी को, तो ऐसा है कि इसको मतलब चांसेस है कि हो सकता है, तो अगर उसका ऐसा कोई स्ट्रेसर आ जाए उस मोमेंट पे कि उसका सडन ब्रेकअप हो गया है या उसको कोई बहुत सिवियर फैमिलियल इशू आ गया है या उसके ऊपर कुछ गंदगी कभी उछाली गई थी और सडनली उसको क्लिनलीनेस का एकदम से ये होने लगा, कंटामिनेशन और डर्ट का जो ये होता है ऑब्सेशन वो होने लगा, तो डेफिनेटली एक स्ट्रेसर पॉइंट रहता है जिससे वो एकदम से ट्रिगर हो जाता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो नहीं है, दिस इज प्योरली अ साइकियाट्रिक थिंग। ओके, सो ये एक कंप्लीट प्रॉब्लम है, समस्या है, या आर देयर एनी टाइप्स ऑफ OCDs? हाँ, तो OCD के टाइप्स तो डेफिनेटली है, जैसे कि हम कहते हैं कि ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन,
जिसमें द कंपल्शन वुड बी कॉन्स्टेंटली क्लीनिंग वन सेल्फ, जो हाइजीन का एक कंपल्शन हो जाता है. फिर चेकिंग का भी रहता है बहुत लोगों, यू नो लाइक कॉन्स्टेंटली बार बार जाके लॉक्स चेक कर रहे हैं कि बंद हो, बंद किया कि नहीं, बंद किया कि नहीं. तो वो पता है वो बार बार क्यों चेक करता है, क्योंकि वो ऑब्सेशन आता रहता है कि मैंने किया था क्या, पर मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर मुझे खुद पर डाउट हो रहा है कि मैंने किया था क्या, मैं वापस जाके चेक करूंगी. तो दैट हैपेंस. देन टच नॉन टच का रहता है, जैसे से फॉर एग्जांपल आई एम टचिंग यहाँ पे, नाउ आई वांट टू टेक द टच बैक. बस वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में घूम रहा है कि मेरा यहाँ पे टच लग गया है, मुझे वो टच वापस लेना है. ओके. तो वो दिन भर वो बेचारे वही करते रहेंगे, यू नो यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ पैर लग गया, फिर वापस अपनी पैर उधर ही लगना चाहिए, अब उस चक्कर में कहीं और लग गया गलती से, तो अरे यहाँ का भी वापस लेना है, वहाँ का भी वापस लेना है. ओके. तो ये होता है. Then there are a lot of religious kind of things ki, you know, हम उसे magical thinking कहते हैं. Okay. मतलब उनको obsession इस तरह का होता है, जो thought है वो, कि अगर मैंने इस पे compulsive action नहीं की, तो दुनिया में कुछ खराब हो जाएगा. अच्छा. मतलब मेरे वजह से दुनिया में कुछ खराब हो जाएगा. Okay. तो religious काफी thoughts आते हैं कि say for example मैंने constantly अगर दिन रात ये action नहीं की, ठीक है, वो एक obsession आने के बाद, एक thought आने के बाद, तो ना मतलब कुछ बिगड़ जाएगा, या तो मेरे साथ बिगड़ जाएगा, मेरे मदर के साथ बिगड़ जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा डर कि मेरे लव्ड वन के साथ कुछ बिगड़ सकता है. दूसरा डर कि दुनिया में कुछ खराब हो सकता है. सेक्सुअल ऑब्सेशंस भी होते हैं, मतलब जिसमें कॉन्स्टेंट सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं, उसका कंपल्सिव एक्शन जनरली इफ यू आर नॉट गेटिंग सेक्स, जैसे से फॉर एग्जांपल इफ यू नॉट हैविंग अ पार्टनर उस मोमेंट पे, तो मतलब जनरली क्या होता है कि पार्टनर के साथ देन कॉन्स्टेंटली सेक्स करने की इच्छा होती है. Okay. अगर वो नहीं रहा तो फिर कॉन्स्टेंटली मास्टरबेट करते हैं लोग. Okay. हस्तमैथुन जिसे कहते हैं. तो ऐसे काफी टाइप्स है कंपल्शन, मतलब ऑब्सेशन कंपल्शन के. तो इसमें काउंटिंग वगैरह का भी रहता है काफी बार, कि जैसे यू नो मुझे इतना काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं बार बार 11 11 तक के काउंट करते रहूंगी, अदरवाइज आई विल कीप ऑन थिंकिंग कि ये हो सकता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो इस घर में आग लग जाएगी. मैजिकल थिंकिंग अगेन. या फिर कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग 3 3 3 3 3 3. सिमिलरली अपने जो पैसे रहते हैं या कुछ चीज़ें रहती है उनको कॉन्स्टेंटली गिनते रहना, काउंट करते रहना, अदरवाइज यू नो ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ पैसे कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे अगर मैंने ढंग से नहीं किया तो. इवन परफेक्शनिज्म जो रहता है ना एक, वो भी एक ऑब्सेशन है काफी हद तक अगर देखा जाए तो, यू नो कि मुझे ऐसे ही अलाइंड चीजें चाहिए, ऐसे ही मैं पेन रखूंगी, यस ऐसे ही पेन रखूंगी, ऐसे ही मेरे टॉयज सजेंगे, जैसे बचपन में थोड़ी थोड़ी चीजें दिखने लग जाती है. अब इसमें OCPD नाम की भी एक चीज रहती है, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ओके. ठीक है, तो OCD इज अ प्रॉपर डिसऑर्डर, लेकिन OCPD कुछ पर्सनैलिटी रहती है लोगों की, पर्सनैलिटी कैरेक्टर जो रहता है, जिनको हम लोग काफी हद तक परफेक्शनिस्ट्स बोलते हैं. तो अगर उन्होंने वैसे नहीं किया तो दे विल कॉन्स्टेंटली यू नो कीप ऑन रिपीटिंग दैट एक्शन जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाते उनके हिसाब से परफेक्ट. ओके. ओके. सो ये एक कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है, इट्स साइकियाट्रिक एक्चुअली. ओके. 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 तो कहीं ना कहीं इसके रूट कॉज तो हमने जाना, लेकिन ऐसे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स की अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो व्हाट आर द सिम्टम्स की इसे पहचाना जा सकता है कि हाँ इन्हें OCD है. हाँ, तो ऑब्सेशन तो पहचान नहीं सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो तो थॉट प्रोसेस है, लेकिन कंपल्सिव एक्शन से डेफिनेटली पहचान में आ जाता है, और सबसे पहले रिलेटिव्स को ही पहचान में आता है. अब इसमें एक खास बात यह है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं है. जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं उसमें पेशेंट को इनसाइट नहीं रहता, इसका मतलब पेशेंट को अपने ही डिजीज के बारे में पता नहीं रहता. जैसे कि स्किजोफ्रेनिया हो गया या बाइपोलर हो गया. लेकिन OCD एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर माना जाता है, जिसमें पेशेंट को दे हैव इनसाइट इनटू देयर इलनेस, दे नो कि ये बीमारी मुझे हो रही है, बट इट इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल. तो पेशेंट्स को भी काफी बार रियलाइज होता है तो वो खुद ही आके रिपोर्ट करते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं बहुत डिस्ट्रेस में हूँ. और कंपल्सिव एक्शन अगर हो रही है तो क्लोज वंस नोटिस करते हैं, फिर क्लोज वंस रिलेटिव्स आकर बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है इसके साथ, ये बार बार वही करते रहता है, ये बार बार वही करते रहती है, ये दिन में ना मतलब नॉर्मली सपोज दिन में हम लोग 10 बार हाथ धो रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो मतलब हो सकता है कि किसी से हैंडशेक करने के बाद भी हाथ धोने चले जाए, प्लेट उठाने के बाद भी हाथ धोने चले जाए, या फिर प्लेट ही ना उठाए, हैंडशेक ही ना करे, कि मैं बार बार मतलब हाथ, तो लिटरली काफी बार ऐसा दिखता है कि उनके हाथ ना पूरे मतलब स्किन विन निकली रहती है, ये बार बार नहाने जाते हैं, बार बार कपड़े बदलते हैं. तो ये एक्शंस जब दिखती है रिलेटिव्स को तो वो डायरेक्टली आकर रिपोर्ट करते हैं. ओके. ओके. तो इसका रूट कॉज हमने, लेकिन कॉजेज अगर देखें थोड़ा ब्रीफली अगर डिटेल में जानना चाहें तो इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं?
जैसे कि वही है, मैंने जैसे कहा कि जेनेटिक हो सकता है कि अगर फैमिली में कभी किसी को था तो, या पहले से एक ओसीपीडी टेंडेंसी थी, ओसीपीडी जो मैंने अभी समझाया, हाँ वो अगर मतलब यू नो दैट मे गेट प्रोग्रेसिवली इनटू ओसीडी. फिर कोई स्ट्रेसर ट्रिगर हुई जो अगर कोई ट्रिगर पॉइंट है तो, जनरली ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए हो सकता है ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज हुई कि ठीक है यार फैमिली में झगड़ा हो गया है, गाली गलौच हो गई किसी के घर पे, ठीक है, लेकिन वही किसी और के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेसर रह सकता है. तो अगर उसका ब्रेन न्यूरोलॉजिकली इंक्लाइंड है कि इसको आगे चल के ओसीडी हो सकता है, तो डेफिनेटली छोटे से छोटा ट्रिगर भी ओसीडी ट्रिगर कर सकता है. एक्चुअली इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं वो डिपेंड करता है. कई लोग बहुत ज्यादा उसे स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा उसे मेंटली अपने आप को ट्रिगर करने शुरू कर देते हैं, हैमर करना शुरू करते हैं. कई लोग बहुत स्ट्रांगली उसे ओवरकम भी कर जाते हैं. हाउ कॉमन इट इज एंड क्या कब शुरू हो सकता है ये, ऐसा कुछ उसका पीरियड ऑफ टाइम है? हाँ, जनरली मतलब इसमें एज ग्रुप कम ही मानी जाती है, 15 ईयर ऑनवर्ड्स, 15 टू 25 के बीच में इसका मेन ये रहता है कि इसके बीच में ब्रेन इज वेरी वल्नरेबल जैसे हम कहते हैं, तो इसमें जनरली ये वाले एज ग्रुप में ज्यादा देखने में आता है. उसके बाद अगर शुरू हो रहा है तो वो लेट ऑनसेट है फिर. ठीक है, होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बट इतना कॉमन नहीं है. ठीक है, कि किस तरह से पता चलता है कि हाँ ओसीडी अब शुरुआत हुई, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जो एज है ये काफी यंग एज है और यहीं पर जो है स्ट्रेस का जो बर्डन है लोग बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो क्या एज फैक्टर मायने रखता है ओसीडी में, और क्या सीनियर एज पर भी ओसीडी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि सीनियर एज में बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें लेट ऑनसेट कहते हैं. लेकिन ये एज ग्रुप में ज्यादा देखा जाता है, तो ये एज ग्रुप इज वेरी वल्नरेबल टू हैव ओसीडी. ओके ओके, व्हाट एज ओसीडी पीक्स एक्चुअली? कोई 15 to 25. ओके, साइंस जो है ओसीडी के, आपने कहा कि ये सारे कॉमन साइंस हैं, आप इतने पेशेंट्स को डे टू डे डील करती हैं, ऐसे बहुत कॉमन कौन से साइंस हैं जहां अगर ऐसा कुछ दिखता है तो ये एक अलार्मिंग हो सकता है पेरेंट्स के लिए? जैसे कि यही मैंने कहा कि ये जो जब कंपल्शंस दिखने लग जाते हैं, दैट मींस इट इज लाइक हाई टाइम दैट यू शुड विजिट अ साइकियाट्रिस्ट. ओके, ठीक है, क्योंकि काफी बार बच्चे आके अपने ऑब्सेशंस के बारे में बताते हैं, यू नो कि मुझे ना ऐसे फील हो रहा है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो नो ऐसा हो जाएगा, यू नो समथिंग बैड विल हैपन. तो उस मोमेंट पे पेरेंट्स को ध्यान में नहीं आती है ये चीज की, हाँ कि यू नो कि इसको ऑब्सेशंस हो रहा है, और ये मतलब अगर कंपल्शंस भी स्टार्ट हो गए इसके साथ साथ तो क्या हो सकता है आगे. बिकॉज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को बाद में बहुत आगे बढ़ने के बाद कंट्रोल में लाना काफी हद तक डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए. तो थ्रू दिस मीडियम आई थिंक आई शुड टेल कि जब आपको पहले ही कुछ साइंस दिखने लगे इस टाइप के कंपल्शंस के जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या अगर बच्चा अगर आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे मुझे आइडियाज, थॉट्स, इम्पल्सेस रिपीटेटिवली आ रहे हैं दिमाग में और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट शुड बी द फर्स्ट टाइम यू शुड इमीडिएटली गो टू अ साइकियाट्रिस्ट. ओके, इस पे यहाँ हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सॉरी टू से पेरेंट्स जो होते हैं जब बच्चा कोई तकलीफ बताता है इस तरह की, सी मेडिकल्स तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि सर्दी हो गई, बुखार हो गया, तो यू इमिडिएटली रश टू अ डॉक्टर. बट ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ओसीडी का जो प्रॉब्लम है, ये इसीलिए डॉक्टर तक लेट अप्रोच होता है बिकॉज हम छोटे छोटे जब साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं तो हम बच्चों को डांट डपट करके उन्हें चुप करा देते हैं. वेरी सॉरी एंड वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि ये जो चीज़ें बहुत हो रही हैं, बच्चे इस चीज़ को फील करते हैं, ऐसे कई थॉट्स हैं, ऐसे कई सपने हैं, ऐसी कई चीजें उनके साथ होती हैं जो वो आपसे शायद शेयर नहीं कर पाते होंगे, इस वजह से भी उन्हें ओसीडी के इश्यूज हो सकते हैं. तो आई थिंक पेरेंट्स सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ज्यादा इनफैक्ट द टैबू ऑफ विजिटिंग अ साइकेट्रिस्ट, मतलब लोग कहते हैं ना कि सिर्फ पागल ही साइकेट्रिस्ट को विजिट करते हैं, और लोगों को एक्चुअली आइडिया ही नहीं है कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स ज्यादा है कंपैरेटिवली, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी पेशेंट को पता होता है कि उसके प्रॉब्लम है, तो तब तो मतलब और भी ज्यादा विजिट करना चाहिए जब आपको पता है कि ये हो रहा है। एक्चुअली ऐसे कुछ अगर आपके बच्चों में दिखता है या उन्हें आप वो शिकायत करते हैं कि मुझे ऐसी चीजें हो रही हैं या मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या मुझे ऐसा लगता है दैट समथिंग इज डिफरेंट या कुछ अलग हो रहा है, तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, मे बी जो तकलीफ है वो आगे जाके सिवियर ना हो जाए, उससे पहले ये सॉल्व की जा सकती है। ये आपके लिए और डॉक्टर के लिए भी बहुत फायदेमंद भी होगा और अच्छा भी रहेगा कि वो एक अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाए, डायग्नोज हो जाए। जितने अर्ली स्टेज पर डायग्नोज होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि वो प्रॉपरली ट्रीट हो सकता है। किस तरह डायग्नोज किया जाता है, एक अगर कोई एक्स वाई जेड पेशेंट आता है इस सिम्टम्स को लेकर, ओसीडी के इश्यूज को लेकर, व्हाट इज द डायग्नोज प्रोसीजर? इनफैक्ट हम लोग ना काफी बार जैसे वो कहते हैं ना दैट अ साइकेट्रिस्ट्स जर्नी स्टार्ट्स जैसे ही पेशेंट हमारे ओपीडी में एंटर होता है, तो काफ़ी हद तक तो देखकर ही बहुत चीज़ें समझ जाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने पड़ते हैं, बट ऑब्सेशंस को जानने के लिए पूछने पड़ते हैं डेफिनेटली, लेकिन कंपल्शंस तो जैसे कि दिख ही पड़ते हैं। उसके साथ साथ हमारी काफ़ी स्केल्स होती है टू सी की सिवियरिटी कितनी है, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में एक वाई बॉक्स करके स्केल है, येल ब्राउन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, ठीक है, दैट इज यूज्ड की सिवियरिटी कितनी है जानने के लिए, तब हम पेशेंट्स को डेफिनेटली काफी क्वेश्चंस पूछते हैं जो उस स्केल में है, कि ठीक है जानने के लिए कि इसका ऑब्सेशन कितना ज्यादा लेवल का है, कितने बार ये इसके बारे में सोचता है, ये कंपल्शन कितना ज्यादा, कितने बार ये कंपल्सिव एक्शन करता है। काफी लोग तो जिनको कंटामिनेशन का ऑब्सेशन रहता है ना डर्ट का, वो लोग तो काफी बार बाथरूम से बाहर नहीं निकलते, तो कई बार हमको हमारे हॉस्पिटल में मतलब वहाँ पे गार्ड्स खड़े करने पड़ते हैं कि ये बार बार ना जा सके, ताकि उसका कंपल्शन लेवल कम हो जाए। ये डायग्नोस प्रोसीजर के बाद की ट्रीटमेंट किस प्रकार है, मतलब व्हाट आर द ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स? दोनों है इसमें, लाइक फार्माकोथेरेपी एज वेल एज साइकोलॉजिकल थेरेपी, बिकॉज एज आई सेड इसमें पेशेंट को इनसाइट रहता है, तो डेफिनेटली उनको ड्रग्स दिए जाते हैं जिनको हम एंटी ऑब्सेसिव कंपल्सिव ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारे क्लासेस हैं जो कि आई डोंट थिंक इसमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रग्स हैं जिससे वो जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं वो कम होने लगते हैं। सो बेसिकली वो न्यूरोबायोलॉजिकल जो चेंजेस वो ड्रग्स के वजह से होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स में जो चेंजेस हम करवाते हैं वो ड्रग्स के थ्रू, उससे वो ऑब्सेशंस कम होने लगते हैं। उसका मतलब इफेक्ट जनरली 7 to 8 days में दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा करके, तो फर्स्ट 7 to 8 days में घबराना नहीं चाहिए कि अरे मतलब ड्रग्स तो शुरू कर दिए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो दैट इज देयर। उसके बाद हम लोग काफी ट्रिक्स भी बताते हैं पेशेंट को, जैसे कि थॉट स्टार्ट एंड स्टॉप वाला जो टेक्निक है, तो थॉट स्टॉपिंग, तो अगर कंपल्सिव ऑब्सेसिव थॉट आ रहा है तो ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं खुद ही को स्टॉप बोलो, you know, because you have insight, you know, कि thought आ रहा है, thought आ रहा है, thought आ रहा है, तो stop, खुद को stop बोलो, and it actually helps, तो वो बहुत control करके it stops, हम लोग इसमें rubber band techniques भी use करते हैं इनफैक्ट, जैसे कि एक rubber band बांधो उनके हाथ पे, ठीक है, और अगर वो stop वाला नहीं कर पा रहे हैं, तो at least जिस moment पे thought आ रहा है ऐसे वो फटाक से जोर से खींच के
खुद ही को थोड़ा सा हर्ट कर दे, दैट विल एक्ट एज अ ट्रिगर टू स्टॉप द थॉट. ठीक है, तो ऐसे मतलब साइकोलॉजिकल भी मेथड्स रहते हैं. तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में एक्चुअली साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलके काम करते हैं. ओके. एंड इवन मेंटल हेल्थ सोशल वर्कर्स जो है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है, वो एक्चुअली उन्हें काफी सारे टास्क देते हैं दिन भर बिजी रखने के लिए, कि वो थॉट्स आए ना और वो दूसरे टास्क में बिजी रहे, बिजी हो जाए. ओके. उसी की वजह से जो सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट जो इनका हो रखा रहता है कि वो सोसाइटी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अपना ऑक्यूपेशन में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या अगर बच्चा स्टूडेंट है तो वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है ढंग से, क्योंकि दिन भर तो यही चल रहा है. वेरी ट्रू. तो इसीलिए उन्हें हम लोग दूसरे टास्क देते हैं कि आप इसमें बिजी रहो, ताकि धीरे धीरे करके उनका जो इम्पेयरमेंट है वो भी खत्म हो, वो खुद ही पर अपने कंट्रोल ला पाए और उस चीज को वो धीरे धीरे हम डॉक्टर्स ट्रीट कर पाए. क्योंकि जब तक हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो शायद डॉक्टर्स भी उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे. हाँ, मुझे ऐसा लगता है जिसमें हेल्प होती है ड्रग्स की, डेफिनेटली. मतलब जब हम ड्रग्स देते हैं तो उससे काफी हेल्प हो जाती है पेशेंट को टू स्टार्ट कंट्रोलिंग. तो बेसिकली हमारा काम है उनमें कंट्रोल लाना. एक्चुअली How long does OCD last for actually? For a lot of people it lasts a lifetime. Achha. हाँ, which is very saddening. क्योंकि काफी cases मतलब हम तक पहुँचते ही नहीं है. काफी बार बाबा के पास चले जाएंगे या you know quacks जिनको हम कहते हैं. तो काफी बार ऐसा होता है कि वो केस काफी बिगड़ के हमारा हम तक पहुँचती है. मतलब ऐसे भी किस्से हो चुके हैं कि कुछ ना विभूति दे दी, विभूति को बोल दिया कि तुम आंखों पर रब कर डालो. अभी रिसेंटली देयर वाज दिस केस जो आया था हमारे पास, तो आंखों पर रब कर डालो बोला, तो उसका लिटरली आंखें बाहर का तो स्किन जली गया था, बाद में उसका उसके जो कॉर्निया था ना, आंखों के अंदर का जो ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, दैट वाज आल्सो गॉन. सो शी वाज ब्लाइंड आफ्टर दैट. वो केस उतना बिगड़ के हम तक पहुंचा. यू नो ऐसा भी होता है. तो अब मैं वही कहना चाहूंगी कि एक्चुअली इसमें ऐसा है कि आप पहले ही आ सके तो बेटर रहेगा. अगेन एंड अगेन तो जितने केसेस हम तक पहुंचते हैं फॉर्चुनेटली, उन्हें हम इसी तरीके से करते हैं ट्रीट. ऑन दिस नोट आई वांट टू से कि कई बार ओवर द काउंटर टेबल भी मेडिसिंस लेकर लोग अपनी एक नींद कर लेते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल मे बी, क्योंकि ये मैं हमेशा ना अपने डॉक्टर सीरीज में कहती हूँ कि खुद के डॉक्टर बिल्कुल ना बने. ये सिनारियो अब खुद के डॉक्टर बनने का बिल्कुल नहीं है. एक था जमाना जब हम छोटी मोटी परेशानियों के लिए ओवर द काउंटर टेबल मेडिसिन लेकर हम अपने आप को क्योर कर लेते, लेकिन अभी सिनारियो बहुत बदल चुका है. और जब से ये कोविड ने एंट्री मारी इसके बाद तो सिनारियो बहुत बदल चुका है. छोटे मोटे सिम्टम्स भी शायद एक बहुत बड़ी परेशानी का रूप ले सकते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि ओवर द काउंटर टेबल तो मेडिसिंस नहीं लेनी चाहिए. बिल्कुल. एंड एज यू मेंशनड कोविड, अभी कोविड हैज एक्टेड एज अ मेजर स्ट्रेसर एंड ट्रिगर पॉइंट फॉर ओसीडी. आई एग्री. एंड ऊपर से पेशेंट्स क्योंकि बाहर निकल के हॉस्पिटल्स नहीं जा पा रहे हैं, वो घर के घर में अंदर उनको ओसीडी बढ़ते जा रहा है. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कोविड है, बार बार हैंड सैनिटाइज करना है, ये करना है, वो करना है. काफी इवन हमारे मेडिकोज में मैंने देखा कि फॉर नो गुड रीजन बार बार हैंड सैनिटाइज करते रहेंगे, यू नो अपना मोबाइल ये करते रहेंगे. काफी हो गया तो मोबाइल जैसे ही खराब हो गया हमारे यहाँ. तो दिस इज एक्चुअली ट्रिगरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. कोविड इज एक्चुअली डूइंग दैट. सो बेटर दैट यू कम एंड विजिट अ साइकियाट्रिस्ट. अगर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप टेली कंसल्टेशन तो भी लो. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. क्या ओसीडीज सिवियर होते होते एक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम बन सकती है? ओसीडी इज इन इट्सेल्फ अ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम. वो भले ही सिवियरिटी उसकी कम है या ज्यादा है. जिनकी ज्यादा है उन पे ज्यादा काम करना पड़ता है, जिनका कम है उन पे कम काम करना पड़ता है, लेकिन काम तो दोनों पे साइकियाट्रिस्ट को करना ही पड़ता है. तो इट इज अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर. ओके. क्या मेडिकेशन का रोल क्या है इसमें? क्या कोई रोल है? जी जी, यही जो मैंने पहले बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स को बैलेंस करना है, उसी के लिए पहले मेडिसिन दी जाती है, ताकि वो थॉट कंट्रोल करने में उन्हें मदद होने लगे थ्रू द ड्रग्स. उसके बाद देन दीज टेक्निक्स जो इसके ऊपर हम सिखाते हैं और उन्हें बिजी रखते हैं. ओके. पेशेंट्स के साथ साथ मुझे लगता है कि ऐसी समस्याओं में पेरेंट्स को भी काउंसिल करना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है. इस बारे में आप क्या कहेंगे? नंबर वन, जो पहले जो बात हो चुकी है वो तो हो चुकी है कि जैसे आपको ये वाले सिम्टम्स दिख रहे हो तो आप इमीडिएटली पहले तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए. लेकिन जब हमारे यहाँ से ठीक होकर जाते हैं ना, ठीक या फिर काफी हद तक उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, तो ऐसा होता है कि वहाँ पे काफी बार ड्रग कंप्लायंस नहीं रहता. इसका मतलब वो ड्रग्स घर जाकर लेना बंद कर देते हैं.
ठीक है, उन्हें लगता है हॉस्पिटल से मतलब उतना कम हो गया ना, अब ठीक है. और फिर जैसे ही वो ड्रग्स लेना बंद कर देते हैं तो वो एक्सासर्बेट हो जाते हैं सारे सिम्टम्स वापस से. अब जब ये होता है ना, दिस इज अगेन अ बैड साइन. दिस इज ऑलमोस्ट एज बैड एज कि फिर से सिवियरिटी आप बढ़ा के पेशेंट को ले आ रहे हो. और अगर ये बार बार ऐसा ऐसा ग्राफ चलता रहा तो चांसेस है कि वो बच्चे को लाइफ टाइम ओसीडी हो जाएगा. तो अगर आप चाहते हो तो ड्रग कंप्लायंस घर वापस जाने के बाद मेंटेन रखें. हम जब तक नहीं बोलते तब तक के ड्रग्स बंद ना करें, ना ही टेपर करें, मतलब उसका डोज कम करें. और जब तक के हम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी बंद करने या कम करने नहीं बोलते, या हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या क्या रहता है, प्लीज उसी को फॉलो करें. ओके ओके. किस तरह के प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, क्योंकि मेडिकेशंस आप दे रहे हैं, आप उन्हें काउंसिल कर रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब ओ सीरीज की बात आ रही है. सेशंस होते हैं, सबसे पहले तो उस पर आएंगे, किस तरह के सेशंस होते हैं और कितने सेशंस होते हैं ओ सी डी पेशेंट्स के साथ? एक्चुअली ऐसा कुछ यू नो इट्स नॉट अ पर्टिकुलर नंबर सेशंस का, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. ओके. कि किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो साइकोलॉजिस्ट लिटरली मतलब रोज़ जाके बैठते हैं उनके साथ. रोज़ डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, कितने बार थॉट्स आए, फिर तुमने कंपल्सन कितने बार किया, उनके रिलेटिव्स को पूछते हैं क्या क्या हुआ. ठीक है, तो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दैट. जितने भी टाइम्स लगेगा उतने टाइम्स हम करने को रेडी है, बस आप आए तो हमारे पास. राइट, वो बात है. ओसीडी को एंजाइटी से कनेक्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. ओसीडी से ज्यादा एंजाइटी का नाम बहुत लेती है कि मुझे एंजाइटी इश्यूज है, मुझे एंजाइटी इश्यूज है. तो क्या ये दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा? बहुत गहरा है. एक्चुअली ओसीडी इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर मेजर. कि यू नो ऑब्सेशन आ रहा है, उसकी वजह से जो सिवियर एंजाइटी हो रही है, ये ऑब्सेशन को रोकने की उसी की वजह से वो कंपल्शन किए जा रहा है वो डिस्ट्रेस को रोकने के लिए. सो इट इज ऑल मोस्टली एंजाइटी, बट सिवियर लेवल ऑफ एंजाइटी. वेरी ट्रू. बट ये मैंने जिस तरह से स्टडी किया है, थोड़ा बहुत जो देखा है, मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो एंजाइटीज हैं, ये जो ओसीडीज हैं, आई वोंट टॉक अबाउट ओसीडी, बट अगर एंजाइटीज की मैं बात कर रही हूँ तो बहुत जो सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बिजी भी हैं, उन्हें एंजाइटी के इश्यूज ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द वंस जो जिनके पास काम नहीं है, उस काम के सिलसिले में परेशान है. तो उनकी वो परेशानी है, बट जो सक्सेसफुल हैं, जो बहुत अच्छा काम करें, उन्हें एंजाइटीज के इश्यूज हैं. इस पे क्या कहें? इस पे ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो एक वो होता है ना, जो सक्सेसफुल है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, यू नो, जो हाई फंक्शनिंग है, वेरी ट्रू, ठीक है, उन्हीं में परफेक्शनिज्म की चाहत ज्यादा रहती है. ओके. राइट. सो अगेन अल्टीमेटली दैट इज ट्रिगरिंग द एंजाइटी कि नहीं, मुझे ये काम अभी मैंने ना इस तरीके से किया, अच्छा होना ही चाहिए, अब इससे और अच्छा होना चाहिए, इससे और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, ऐसे करते करते दैट इज एक्चुअली ट्रिगरिंग दैट लेवल ऑफ एंजाइटी. और एक नोन फैक्ट है कि जो हाई फंक्शनिंग रहते हैं, जो जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई रहता है, उनमें जरा ज्यादा चांसेस कि ये हो सकता है, क्योंकि वो सोचते ज्यादा है ना. वो दुनिया की रेस में बहुत ज्यादा दौड़ रैट रेस में दौड़ रहे हैं एक्चुअली. किस तरह के प्रिकॉशनरी लेवल्स या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस या किस तरह के, क्योंकि ड्रग्स आप दे रहे हैं, काउंसिल आप कर रहे हैं, बट ये सारी चीजें किस तरह प्रिस्क्राइब की जाती हैं? सो लाइफस्टाइल चेंजेस एक्चुअली ना हर डिसऑर्डर में हेल्प करते हैं. ये हम हमेशा बोलते हैं, लाइक इवन एनी फिजिकल डिजीज हो जाए या साइकोलॉजिकल डिजीज हो जाए या साइकेट्रिक डिजीज हो, जो भी है, ठीक है. तो लाइफस्टाइल चेंजेस में डेफिनेटली आपकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए हम उन्हें स्लीप हाइजीन सिखाते हैं. स्लीप हाइजीन के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. उसके बाद देन हम उन्हें प्रॉपर खाना सिखाते हैं, टाइमली मील्स लेना चाहिए आपने प्रॉपरली, क्या कहते हैं, शॉर्ट, यू नो, शॉर्ट मील्स, स्मॉल मील्स, ऐसे ऐसे टिपिकल, एंड यू शुड बी हैविंग फ्रूट्स डेफिनेटली, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट प्रोवाइड यू विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स. उसके बाद मॉडरेट एक्सरसाइजिंग एवरी डे होना चाहिए. तो या तो फिर ऐसा कहते हैं कि 30 मिनट्स का अगर आप ब्रिस्क एक्सरसाइज कर रहे हो तो एटलीस्ट दैट शुड हैपन 4 टाइम्स अ वीक, और अगर 40 मिनट्स का मॉडरेट कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स अ वीक, ये होना चाहिए. उसके बाद खाने पीने का, सोने का, और इसका तो हो गया. आपकी जो बाकी हैबिट्स है, जिसको हम बॉवल ब्लैडर हैबिट्स बोलते हैं, वो भी प्रॉपरली रन होनी चाहिए. तो उसके लिए वाटर इनटेक सही रहना चाहिए, 8-10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे. उसके वजह से आपका ब्लैडर फंक्शनिंग बराबर रहेगा, मतलब आप यूरिनेशन बराबर करोगे. एंड सिमिलरली बॉवेल हैबिट्स, आपका जो ये है कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है या कुछ और हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, उसे आप कंट्रोल में लाना चाहिए. सो बेसिकली आप अगर अपने पूरे बॉडी को फिट रखेंगे,
एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ को आप कैसे रख सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, ये एक्चुअली हेल्प करता है इनफैक्ट. तो पहले तो ये मिथ था कि अरे ये साइकेट्रिस्ट ना शायद ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, बट अभी स्टडीज आ गई है एंड इट हैज बीन प्रूवन दैट दिस इज रियली हेल्पिंग पीपल. तो वो कर सकते हैं आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए, प्रॉपर टाइम पे उठिए, प्रॉपर टाइम पे सोइए, ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हेल्प्स इन एवरी डिसऑर्डर. ओके, आर देयर एनी मिथ्स रिगार्डिंग ओसीडी? ऐसे तो बहुत सारे सवालों के जवाब आप रेगुलर देते होंगे, तो ये कॉमन जो मिथ्स दर्शकों के दूर करने बहुत जरूरी हैं. मिथ तो सबसे बड़ा वही होता है कि ये डिसऑर्डर नहीं है. ओके, है ना, मतलब एंजाइटी हो रही है, जानो तो वो जगह कंट्रोल कर लेंगे, रात की परेशानी है. हाँ, आज तू सो जा ढंग से, यू नो शायद तेरी नींद नहीं हुई है 3 दिन से, यू नो तू काम कर रहा है पिछले 5 दिन से लगातार शायद इसलिए, या फिर अभी बहुत स्ट्रेस चल रहा है तेरे लाइफ में, यू नो तो अभी तू यू नो खाना खा के सो जा, ठीक हो जाएगा. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली. एंड दूसरा, मतलब साइकेट्रिस्ट के पास कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे? साइकेट्रिस्ट तो एक्चुअली सिर्फ पागलों के डॉक्टर्स रहते हैं ना, वो तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स ही ट्रीट करते हैं, तो ओसीडी के लिए हम क्यों जाएंगे वहाँ? अगर पता भी उनको लगता है कि ये ओसीडी टाइप का कुछ हो रहा है, तो माइल्ड एंजाइटी के लिए कौन जाता है यार साइकेट्रिस्ट के पास? तो ये सारी चीज़ें होती है. एंड अगेन एज आई सेड, उसके वजह से होने वाले आगे के प्रॉब्लम्स, जब पेशेंट की केस पूरी खराब होकर हमारे पास आती है, तब तक इट्स टू लेट अ लॉट ऑफ टाइम्स. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली द यूथ जो ये ओसीडी और एंजाइटीज का नाम दिन भर जपते रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि सेल्फ डायग्नोज मत करिए. पहले तो आपको पता है डेफिनेटली कि आपको एंजाइटी हो रही है या कॉन्स्टेंटली वो थॉट्स आ रहे हैं, तो आप हमारे पास आके पहले उसके बारे में बात करिए. अगर नहीं तो एटलीस्ट गो एंड टॉक टू समबडी हु विल गेट यू टू अस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि आप ऐसे किसी इंसान से जाके बात कर लेते हो शर्म के वजह से कि यू नो कि ये शायद मुझे कुछ एडवाइस दे देगा या दे देगी और हो गया, इसकी एडवाइस सुन के मेरा ओसीडी चला जाएगा या मेरी एनजाइटी चले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ऑलवेज डू दैट. थर्डली, आप क्वैक्स, बाबाज या इसके उसके चक्कर में ना फंसे, कहीं भी और ना जाए, एक्चुअली प्रॉपर एक मेडिकल डिग्री के साइकेट्रिस्ट के पास जाकर मिले एंड मेक श्योर दैट दैट पर्सन हैज MD और DM और DPM इन साइकेट्री. दैट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो काफ़ी बार लोग अपने नाम के सामने लगा देते हैं कि यू नो आई एम एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेशलिस्ट और अ सेक्सोलॉजिस्ट और अ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, लेकिन उनके डिग्री, उनके क्वालिफिकेशंस ये चेक करना बहुत ज़रूरी है. तो ये सारे एडवाइसेस हैं. थर्ड, फोर्थली, छुपिए मत, बाहर आइए, हमें मदद करने दीजिए, हम मदद के लिए हमेशा तैयार हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि, आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को ज़रूर काम आएगी. तो जैसे कि डॉक्टर सुरभि ने कहा और मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि कोविड टाइम्स ने हमें बहुत कुछ दिखाया है और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम अब रूबरू हो रहे हैं. तो मैं यही कहूँगी कि थर्ड वेव ना आए तो ही बेहतर है, लेकिन अगर आती भी है तो आपको अपने आप को बचा के रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है. एंड स्पेशली फॉर द यूथ जनरेशन, OCD एंजाइटीज तब आप पर हावी होंगी जब आप इसे हावी होने देंगे. तो बस यही कहूँगी कि अपने थॉट्स पे, अपनी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रखें. ज़िंदगी में मुझे पता है कि आपको करियर ओरिएंटेड आप बहुत हैं, बहुत दौड़ना है, हम सभी को दौड़ना है, हम सभी को अपने गोल्स तक पहुँचना है, लेकिन उसका एक ज़रिया होता है, एक स्टेप होता है, एक प्रोसीजर होता है जो धीरे धीरे जाया जा सकता है. आप दौड़ कर कहीं पर नहीं पहुँच सकते, अगर पहुँचते भी हैं तो वो चीज़ें उतनी सक्सेसफुल नहीं होती मुझे लगता है. स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड स्टेडली पहुँचेंगे तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, ज़्यादा टेंशन ना लें, दिन भर खुश रहें, खुद भी खुश रहें, अपनों को भी खुश रखें, खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें. मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, तब तक ले दीजिएगा इजाजत. नमस्कार. बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार. डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ VKB न्यूज पर.